लुटा रही है तुम्हारी माँ। अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमुद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बुका रे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी, पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी? लाओ मैं। कुमुद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है। चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब! आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूँ, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूं, इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी हैं हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने? ये क्या कर रहे हो देव? भैया ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है। हाँ मानता हूँ। और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमोद, चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। चाहिए ना, इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। देव बाबू के बारे में पूछ रही है? फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना?
कि हम पार्वती हैं। देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी ना ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ अजीब बात तो है, एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों के तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुरायन। नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी हैं, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटे, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को? मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूं। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। वाह बड़ी माँ वाह, ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह
ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुरायन अपनी सहेली कहती है एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा है, इतिहास गवाह है। ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुरायन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी, ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादे पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराई नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराई ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हुआ इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन वापस उसी दुनिया में, शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हा? हम फिर जीत गए। दिखा तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है, इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए निगौड़ी, चल यहाँ से, तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी, कैसी लगी तुम्हें हमारी पार? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी, वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी कभी तितली तो कभी चांद, और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू कभी शमा, सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्र ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहां पर यह अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी, बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहां से जाने की इजाजत दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो पर मैं भुगत रहा हूं। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। अगर साथ एक दासी चले तो
मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आज हमने दोनों जान पा ली, फिर कब मिलना होगा? पाप और पुण्य का फैसला करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करेंगे ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी, पर इतना कहता मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊं।